मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को गैरकानूनी करार देते हुए तीसरी बार भी अपना इनकार भेज चुके हैं। तो आपको बता दें कि आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले 21 दिसंबर को उन्हें नोटिस दिया गया था और साथ ही इससे पहले नवंबर में भी ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा था। तो देखिए, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी में उन्हें जो नोटिस भेजे गए थे पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले नोटिस दिया गया था, ये सवाल पूछा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, साथ ही तीसरे समन पर भी वो पेश नहीं होंगे। और लगातार एक ही दलील अरविंद केजरीवाल ईडी को भेज रहे हैं अपने जवाब में, और वो ये कह रहे हैं कि ईडी की ये पूरी कार्रवाई ही गैरकानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। और ईडी के तीसरे नोटिस के जवाब में भी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें यही कहा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ईडी के साथ इस चल रही खींचतान को लेकर बीजेपी हमलावर है, और बीजेपी का कहना है कि बहाने बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो जांच से भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी का नोटिस ही गैरकानूनी है। बीजेपी ने यह सवाल खड़ा किया है कि तीसरे समन में आखिर क्यों पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, केजरीवाल को गिरफ्तारी का भय सता रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। वहीं ये आरोप है आम आदमी पार्टी का कि यह गिरफ्तारी की साजिश है एक मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो देखिए, ये तीन तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अरविंद केजरीवाल के सिलसिले में। ईडी को जिसने जो समन भेजा है, ये पूरा शराब घोटाले का मामला है जिसमें पूछताछ के लिए पीएमएलए एक्ट के तहत उनसे पूछताछ के लिए ये नोटिस उन्हें दिया गया है। 2 नवंबर को पहला समन भेजा गया था, ईडी ने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश में चुनावी रैली थी उसी दिन, और उस दिन का हवाला देते हुए चुनावी व्यस्तताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से इनकार कर दिया गया। फिर दूसरा नोटिस 21 दिसंबर को दिया गया और उस दूसरे समन पर भी पेश नहीं हुए। होशियारपुर में वो विपश्यना शिविर में थे। और तीसरा नोटिस 3 जनवरी के लिए भेजा गया था, उस दिन भी वो पेश नहीं होंगे, हालांकि मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही है। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल और भगोड़े की तरह क्यों पेश आ रहे हैं? तीसरा समन जारी हुआ है ईडी की तरफ से, आपने पहले समन पर बहाना बनाया कि देखिए मुझे चुनावी कैंपेन में स्टार प्रचारक के रूप में जाना है, नोटा से कम वोट आए आपके तीनों राज्यों में। उसके बाद आपने बहाना बनाया विपासना का, कुशासन करके विपासना पे चले गए। अब तीसरी बार समन जारी हुआ है, क्यों जाने से कतराते हैं? जाइए और अपना पक्ष रखिए। आप जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में थे तब तो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, दूसरों से तो इस्तीफा मांग लेते थे, आज तो जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्या लालू प्रसाद यादव और पौन मुड़ी की संगत है क्या? वो तो कन्विक्ट हो गए हैं करप्शन के मामले में, और आप उनके साथ है, और हो सकता है कि उनके साथ है तो अब भ्रष्टाचार आपको शिष्टाचार लगता है। इसीलिए जवाब देने के बदले, जवाबदेही देने के बदले आप जिस प्रकार के बहानेबाजी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेल ले। जांच एजेंसी की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कानून सम्मत है। अरविंद केजरीवाल को एक अपराधी और भगोड़े की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए, जो साक्ष्य उनके सामने रखना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 500 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको महाराष्ट्र में और देश में। तो देखिए किस तरीके से सियासत इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी की ये पूरी बहस खड़ी करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी बलराम पांडे का, क्योंकि बलराम लगातार आप इन चीजों को ट्रैक करते रहे हैं। एक बार फिर तीसरी बार वही समन वही जवाब। बिल्कुल, देखिए ये तीसरा समन था ईडी का, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ईडी के समन का लिखित जवाब भेजा और इस बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अगर हम बात करें ईडी के समन की, तो 3 समन लगातार ईडी ने भेजे हैं। पहला समन 2 नवंबर के लिए था जब ईडी के सामने उन्हें पेश होना था। दूसरा जो ईडी का समन था वो 21 दिसंबर के लिए था,
उस समन पर उन्हें पेश होना था और अब तीसरा जो समन आया था वो 3 जनवरी 2024 के लिए था कि इस दिन वो सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और ईडी के सवालों का जवाब दे। लेकिन तीसरे समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश ना हो करके अपना लिखित जवाब भेजा। लेकिन तीनों बार जब उन्होंने लिखित जवाब भेजा तो उन्होंने कई सवाल खड़े किए और ईडी से उल्टा जवाब मांगा कि आखिरकार उन्हें जो समन जारी किया जा रहा है वो किस हैसियत से जारी किया जा रहा है, गवाह के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर या आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के तौर पर। ये समन में स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस हैसियत से ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। साथ ही उन्होंने अपने जवाब में सवाल खड़े किए। तमाम जानकारी के लिए बलराम पांडे। जाहिर तौर पर कई सवाल इस मामले से जुड़े हुए हैं और देखना होगा कि आखिर ईडी क्या एक और समन देने जा रही है। लेकिन सियासत समन को लेकर दिल्ली में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी गरमाई हुई है और वहां भी कहा जा रहा है कि अब बिहार जैसी कल्पना नजर आ सकती है, सियासत एक नए परवान पर चढ़ सकती है। झारखंड में भी बिहार जैसी कल्पना। कुर्सी बचाएंगे, पत्नी को सीएम बनाएंगे। ईडी के साथ समन, इस्तीफा देंगे सोरेन। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। तो देखिए झारखंड के अंदर भी सियासत गरमाई हुई है और यहां भी जो सबब है वो ईडी का समन है, क्योंकि सातवां समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया था। जमीन खरीद से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें उन्हें अपना बयान दर्ज करने के लिए सातवीं बार ईडी ने बुलाया था। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ईडी को एक चिट्ठी भेजी गई। उस चिट्ठी में क्या है ये तो साफ नहीं है, लेकिन सियासत इस लिहाज से गरमाई हुई है क्योंकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का सीएम पद अब खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों और गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। आज ओल्ड सीएम हाउस के सभागार के अंदर शाम 4:30 बजे ये बैठक होनी है। और इससे पहले खबरें आ रही हैं कि झारखंड के गांडे से विधायक रहे सरफराज के इस्तीफे के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और अटकलें इस चीज को लेकर भी गरमाई हुई हैं कि क्या एक बार फिर बिहार में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी यादव को सत्ता का ताज दिया था, ताज सौंपा था, उसी तरीके का दाव क्या हेमंत सोरेन भी चलने जा रहे हैं। सियासत इस मामले को लेकर लगातार इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं आज गठबंधन जो महागठबंधन के नेता हैं उनके नेताओं की बैठक है। और देखिए झारखंड में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन दिया गया है तो वहीं अवध खनन के मामले में ईडी की छापेमारी भी आज देखने को मिल रही है। ये छापेमारी सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के ठिकानों पर हुई है और छापेमारी की इस जद के अंदर कई अहम करीबी हेमंत सोरेन के आ चुके हैं। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है और उससे पहले ईडी का ये बड़ा एक्शन इस समय चल रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के आसपास ईडी का कसता हुआ शिकंजा और रांची में ईडी की छापेमारी की कवायद जहां चल रही है वहीं जेएमएम का बयान भी इस मामले को लेकर सामने आया है। जेएमएम प्रवक्ता ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। साथ ही कहा है कि जब बीजेपी को जनता का मत नहीं मिलता है तो वो जांच एजेंसियों का हथकंडा अपनाने लग जाती है। और देखिए जेएमएम को जनता ने चुना है ये भी जेएमएम की तरफ से कहा गया और कहा गया कि 2024 में भी जनता जेएमएम के ही साथ रहेगी। हालांकि ये तो चुनावों में पता चलेगा कि जनता किसका साथ देती है, लेकिन फिलहाल सांसद के अंदर नजर आ रही है जेएमएम की सियासत। क्योंकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है वहीं साथ ही जो सियासी हलचल है वो भी तेज है क्योंकि आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और देखना होगा कि महागठबंधन के जो विधायक हैं वो किसे नेता चुनते हैं। राजनीति से प्रेरित हताशा निराशा, जब आप जनता का प्यार आपको नहीं मिल सकता है, जब जनता का मत आपको नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी, तब तब इस तरीके का वो हथकंडा अपनाते हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से। लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहे, झारखंड की जनता ने चुना है हेमंत सोरेन जी को और आने वाले चुनावों में भी आपको करारी शिकस्त मिलेगी। और देखिए हेमंत सोरेन को लेकर जहां बीजेपी लगातार हमले बोल रही है तो वहीं जेएमएम लगातार इस पर पलटवार कर रही है, यानी दोनों तरफ से एक दूसरे पर खूब तीर चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं आपको।
जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि एक साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र हाईकोर्ट की निर्णय आ चुका है। हम पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता है, हमारा इसमें कोई व्यक्तिगत कोई मंतव्य या वक्तव्य नहीं हो सकता है। अब देखिए होने को तो ऊपर से वज्रपात गिरेगा, हम और आप मर जाएंगे, तो ये कौन जानता है, भविष्य वक्ता थोड़े हैं। अब ये देखिए ये कयास पर तो देखिए सियासी वार पलटवार के इस दौर में ये सवाल खड़ा है कि क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लगातार इसमें बीजेपी वार कर रही है तो जो जेएमएम है वो पलटवार कर रही है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको दिखा दें कि बाबूलाल मरांडी उनकी तरफ से कहा गया कि हेमंत सोरेन को दरअसल अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, कुछ इसी तरीके के तीर और तंज निशिकांत दुबे ने भी चलाए। वहीं सरकार की तरफ से पलटवार किया गया कि हेमंत सोरेन को हटाए जाने की जो तमाम अटकलें हैं वो निराधार हैं। हेमंत सोरेन ने खुद भी इन अटकलों को खारिज किया कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो झारखंड में जो तमाम सियासी हलचल चल रही है उसके बीच आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और ये विधायक दल की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस जो कि जेएमएम के साथ में गठबंधन की सरकार में है झारखंड के अंदर, उसके प्रदेश प्रभारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। रांची के अंदर सियासी हलचल इस समय तेज है। बीजेपी ने वार किया है कि अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं और गांडे से पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। यह सियासत इसलिए भी गरमाई है क्योंकि गांडे से विधायक सरफराज ने 31 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, अभी देखना चाहिए कि आखिर सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं क्योंकि दिल्ली में भी सियासत गरमाई हुई है। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं मगर उनके अंदर कोई ईडी कोई सीबीआई कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मुकुल रॉय हो कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत विश्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है। धन्यवाद। सौरभ जी, पहली बार जब ईडी का समन आया था उसके जवाब में आप लोगों ने ये पूछा था कि किस हैसियत से बुला रहे हैं, लेकिन ये भी कहा था 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब फिर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले, तो ऐसे तो देश में चुनाव होते ही रहते हैं। नहीं, लोकसभा के बाद कोई चुनाव नहीं, कोई विधानसभा के चुनाव नहीं है। कहां है? हरियाणा का चुनाव तो देर है, बिहार का तो देर में, तो बहुत देर में। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे ईडी के समन का जवाब जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ईडी ने अब तक नहीं बताया कि उनको वो किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, एक्यूज की हैसियत से बुला रहे हैं, ऐसे ही बुला रहे हैं, ये ईडी बताए। कानूनी किस तरह की आपको मिली है, क्योंकि एक सीमा तक की आप नोटिस के ऊपर ना जाए तो क्या कब तक स्किप किया जाएगा? कानून चल ही कहा रहा है, तो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है, कानून से काम चल ही कर रहा है। ऐसा कानून कहीं देखा है आपने कि जो आदमी एक्यूज्ड हो ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हो
वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और फिर सारे मामले खत्म हो जाए, ये कानून में कहां लिखा है? मुझे तो इस देश का कानून ऐसा नहीं मालूम कि ऐसा था। और मैं तो आपको एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे रहा हूं, सीबीआई ईडी के मुकदमे हुए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके यहां उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके यहां मुख्यमंत्री बन गए और फिर वो सारे के सारे मामले शांत हो गए। तो कानून मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कानून कौन से देश के अंदर है। सौरभ जी, आप जांच में सहयोग की बात कह रहे हैं, लेकिन जांच में सहयोग होगा कैसे जब आप जाएंगे ही नहीं? अगर पेश होंगे तभी तो जांच में सहयोग एक तरीके से कड़ी माना जाता है। जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में जब बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई, आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी पार्टी ने दे दी, आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए, पार्टी के अकाउंट्स तो सारे बैंक्स के अंदर हैं, सारी जानकारी जो है ईडी इतने डेढ़ साल से पूछताछ कर रही है, एक एक आदमी को बुला के उन्होंने पूछताछ कर लिया, पोस्टर लगाने वाले आदमी तक को पकड़ के उन्होंने पूछताछ कर ली, और कितनी जांच करेंगे? सौरभ जी, लेकिन अब अगर हम टेक्निकलिटीज पे बात करें, तीन समन के बाद ईडी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है। हमने देखा हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वो इसमें जो है अभी तक उनको सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से राहत मिली, वो स्किप करते जा रहे हैं समन। देखिए, टेक्निकलिटी ये क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर टेक्निकलिटी तो कानून का ही एक सब टॉपिक है कि कानून की टेक्निकलिटी, कानून चल कहां रहा है? कानून होता तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कानून अपना काम कर रहा होता, उन लोगों को सम्मन आ रहे होते, उन लोगों की चार्जशीट हो रही होती, वो गिरफ्तार हो रहे होते, हो कहां रहा है? तो खुल्लम खुल्ला है।